दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक ऑल एलईडी टेस्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का एक टुकड़ा और एक लाइन फिल्टर कॉइल। और दोस्तों, ये कॉइल बहुत ही आसानी से किसी भी पुराने खराब पावर सप्लाई सर्किट से आपको मिल जाएगा। अब हम इस कॉइल को बोर्ड के साथ ऐसे लगा देंगे। उसके बाद अब हम लेंगे एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम कॉइल के ये दो पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक TIP-41C ट्रांजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर को हम बोर्ड के साथ ऐसे लगा देंगे। अब हम इस ट्रांजिस्टर को बोर्ड के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम कॉइल के इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 820 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम बोर्ड के साथ ऐसे लगा देंगे। अब हम इस रजिस्टर का एक पिन इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और दूसरा पिन कॉइल के इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 0.33 NF 3 KV कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम बोर्ड के साथ ऐसे लगा देंगे। अब हम इस कैपेसिटर का एक पिन कॉइल के इस पिन के साथ और दूसरा पिन इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 10 ओम फ्यूजेबल रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम कॉइल के इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे दो पीस मल्टीमीटर का कॉर्ड। उसके बाद पॉजिटिव कॉर्ड को हम इस 10 ओम फ्यूजेबल रजिस्टर के इस पिन के साथ और नेगेटिव कॉर्ड को हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।